आज जिन्होंने कवियों और शायरों की मेजबानी की, आदरणीय ओवैसी साहब और सभी जाति भाषा धर्म संप्रदायों के लोग चाहे और हैदराबाद में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। दूर दूर तक तिरंगे लहरा रहे हैं, एक अलग नजारा है, पूरे देश को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कल 26 जनवरी है, मैं महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से हासिल की गई आजादी और उसके बाद लागू हुआ संविधान गणतंत्र दिवस, उसकी भी तमाम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आपको। दरअसल फांसी से दो ही विचार लड़ सकते हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा चार्ली चैपलिन। इनकी जो बातें हैं उन पे गुस्सा मत होवा करो, हंसा करो, मुझे भी हंसी आती है। एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि भाई बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, मैंने उसका बुरा नहीं माना कि भी हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। चरखे के साथ फोटो खिंचा लेने से ही कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। तमाम देश के जन आंदोलनों में माताएं बहनें घरों से निकली हैं और यहां भी बड़ी संख्या में बैठी हैं, और आप भी अपने घरों में जो महिलाएं स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनको सम्मिलित करिए, क्योंकि ये आंदोलन एकांगी नहीं होना चाहिए, सब मिलकर के ताकत दिखाएंगे, समस्या गंभीर है। माताएं बहने बैठी हैं, निवेदन कर दूं अगर शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। मेरे पास समय निर्धारित है, मैं गद्य पढ़ता हूं उर्दू में जिसे नसर कहते हैं, कोशिश करता हूं कि छोटी एक रचना आपको सुना दूं। सटायर कहां से निकलता है? आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में खबर पढ़े उसमें एक शीर्षक देखे कितना जोरदार था टाइटल खबर का, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बढ़िया, सेलिब्रेट करना चाहिए। एक 8-9 साल के बच्चे को मैंने 10 रुपए दिए, मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए के 2 कुल्फी ले आ, एक तू खाना एक मैं खाता हूं, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेंगे? और तालियां तो आपकी अब बजेंगी। बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना? मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? इतना भी बड़ा तानाशाह हो सटायर से डरता है, हास्य व्यंग से डरता है। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, मैं देखता हूं कि मैंने 30 साल के जीवन में इतना मीडिया पहली बार देखा है, मैं मीडिया से माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम इनको करना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में ये पहला मौका है जब से हम समझदार हुए हैं, ये मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। समय कम है वरना मैं और कुछ आपसे बातें करता, एक रचना हम आपको सुना दे। कुछ बातें कागज दिखाने की हुई, एक तो मैं निराशावादी नहीं हूं, कितनी भी चाहे स्थितियां विपरीत हों, कितना भी संकट आए, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। और तमाम तरह के जो जन आंदोलन देख रहे हैं तो एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर हो। हिम्मत और हौसले से काम लो, लड़ाई लंबी है, मैं आपको बता दूं, आप चाहते हैं कि 1 मिनट में कोई समस्या हल हो जाए कि ऐसा नहीं होगा,
गंभीरता से आप सोचें, संविधान के दायरे में रहकर के संविधान बचाना है, ये बात भी आपको याद रखना। एक रचना में सुना देना, शीर्षक पे आप हंस जाएंगे, कम सुनाई है, राहत साहब को समर्पित है। और मैं किसी मुगालते में नहीं हूं, किसी मुशायरे में आखिर तक कोई लोग बसते हैं तो या तो राहत साहब को सुनने आते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए होते हैं, आप उनको सुनेंगे, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः ओवैसी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुन, मन की बात, जो अच्छा है उसको अच्छा भी कहना चाहिए। जैसे डिजिटल इंडिया को बहुत फायदे हुए, डिजिटल इंडिया के, डिजिटल इंडिया से आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। और भ्रष्टाचार में, करप्शन में भी बड़ा बदलाव आ गया, रेटे डबल हो गई, गारंटी आ गई। वो जो मेरा बैंक का खाता है वो अलग ढंग से खाता है। मन की बात, कुछ सवाल डिग्रियों पे भी हुए, मुझे अच्छा नहीं लगा आप सब लोग प्रधानमंत्री की डिग्रियों पे सवाल उठाते हैं। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन में बहस कर रहे? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है, एक्सपीरियंस बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी, हालांकि बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा। और अभी पास में बैठे राहत साहब पूछ रहे थे, बोले क्यों संपत जी, जब अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखती हो। तो हंसो आप इन चीजों में, ये तनाव और गुस्से की चीजें नहीं है, मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यो तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। अब आपकी तालियां उठेंगी, असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जो सदैव 2-व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। अब आप ध्यान से सुने, मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, सब्जेक्ट का। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके भटक कर किसी विषय पर मन की बात आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। क्या कहना चाहूंगा, काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। अब आप ध्यान से सुने, काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और इस बार
बार एक एक ताली मुझे मेरे इस इसमें बजनी चाहिए, उत्साह बढ़ाए मेरा, व्यंग देखे कहां तक पहुंचा। क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, अंतिम है, जैसे छोटे बच्चों को अपन अक्सर ज्ञान सिखाते हैं। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित होकर खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो तंबक खुद मन की बात कर रहा है। सुनने वालों के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे तो फिर मन की बात कौन सुने। मोहब्बत दी अंतिम है, अतः आखिर में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप फिर इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है। बड़ी सरलता के साथ उन्होंने जो बातें कही आपसे, यकीन वो आपका दिल प्रसन्न करेंगे। और अब दिल की बात सुनिए राधे गौरी से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एक ऐसे मुल्क में कि जहां जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, जश्न जमहूरियत मनाने आया हूं। आपने देखा एक सहारा देकर मुझे बच्चा यहां तक लेकर आया, बीमार हुए पैरों में मेरी तकलीफ आ गई है, आपके सामने आंखों का विजन गड़बड़ा गया है, आपके सामने जो मैं खड़ा होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, यह हमारे भाई अजीम रहनुमा इस देश के वसी साहब का कारनामा है। मेरे पूरे जिस्म में खून नहीं बल्कि उनका एहसान दौड़ रहा है। मेरे एक जुमले पर उन्होंने यहाँ बुलाया मुझे हैदराबाद और मेरी आंखों का इलाज कराया, जिसकी वजह से आपके सामने खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया उनका, अल्लाह जजाक। बगैर कुछ कहे, इसलिए कि जो वक्त इन्होंने मुझे दिया है, परशोरी साहब ने मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इतनी देर में तो मैं लुबान ही जलाता हूँ। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, जो काम की बात होगी वही कर लूंगा। असकलाओं के अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है,
बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है और हमें पेड़ लवे लवे दियों की राहत इंदौरी को शायद ऐसे ही पढ़ना चाहिए, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना, घरों के धसते हुए और जिसमें घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, घरों के धसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए, हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज न कर, मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, ये जितने लोग हैं सब ग्राम में बांध ले, अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट या कागजात तो बताना कि हम बता रहे हैं, राहत ने बता दिया था, घरों के धसते हुए मंजरों में रखे, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, यह डॉक्यूमेंट, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज, हमारे ताज अजायब घरों, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मंजर ने बताया कि यहाँ पर कई 2-3 लाख का मजमा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देख पाऊँ तो मैं खुदा की कसम यहाँ से चांद और सूरज निकल आए मेरी आंखों से, इथा इसी महफिल है। मैं सुनाता हूँ कि आप सब हैं, जितने भी हैं सबके लिए मेरा मिसरा है के साथ चलना है, ये जो बच्चे आए हैं जामिया से, लड़कियां आई हैं, बेटियां आई हैं, इन सबको शरीक करता हूं, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 4 मिसरे और सुन लीजिए, पिछले दिनों फैज की नज्म के माने तब्दील कर दिए, पूरे हिंदुस्तान के ही माने तब्दील किए जा रहे हैं, उर्दू जुबान के शायर पर भी ये शमगाज गिरी, मैं ये रीत मेरी हैसियत नहीं कि मैं फैज की दिफा में कुछ कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के
किसी भी हिस्से में किसी भी जुबान में अगर कोई शायर जुल्म के खिलाफ लिख रहा है तो ये मैं मेरी ताईद है उसके लिए और मेरे ये चार मित्र हैं। खास तौर पर इस जलसे में सुनाना चाहता हूँ, मेरे पीछे में बहुत ही मौजूदीन हैं, वैसी साहब राशि गुजारिश कर कह रहा हूं कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा ये रही जान, ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा दिखा शमशीर। शुक्रिया। दिखा शम दिखा उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा ये रही जान, ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख के तेरे, सिर्फ एक शेर, ये रही जान ये गर्दन है ये सर, क्या लेगा सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख के तेरे, तू समझता है कि शायर है कर क्या लेगा, सिर्फ एक शेर उड़ा देगा बरख के तेरे, तू समझता है कि शायर है। एक मैं आमतौर पर सरसरी साहब जानते भी हैं, आप भी ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैं आमतौर पर फरमाइशें पूरी नहीं करता और कोशिश करता हूँ वो टल जाए, लेकिन आज अजीब गरीब मामला हुआ कि मैं इंदौर से चला हूँ, जब से लगा के कम से कम दर्जन भर फोन मेरे पास आए कि राहत भाई हमको सुनने के लिए आज के जलसे में आएंगे, गजब खास तौर पर। तो मैं इतने लोगों को नाराज नहीं कर सकता, ये लाखों लोग भी सुनना चाहते हैं, ये डेढ़ मिनट में इंशाल्लाह गजल खत्म हो जाएगी, मुझे वक्त दे दीजिए खुदा के। होने तो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है इधर भी हैदराबादी आ जा तो मजा आ जाता, यहाँ सामने के इनके भरोसे चल रहा है सबका, कह रहा हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है साहब, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मैं जानता हूं जरा सा बारीक शेर है, लेकिन मैं ये भी मुझे एहसास है कि मैं हैदराबाद में खड़ा हूँ तो मेरा शेर जाय नहीं होगा, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है,
मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान एक एक परचौरी साहब जरा सा मुझे इजाजत देते कि एक कुछ सेकंड के लिए बात भी कह दूँ। क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त चला, एक ऑडियो जो तकरीर एक साहब कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन साहब है, यहाँ तो जितने भी ये साहब ही होते हैं, तो वो साहब कह रहे थे कि उर्दू का एक शायर है राहत इंदौरी जो जिहादी है। तो मैं हैरत में पड़ गया कि आखिर में मेरी उम्र 70 साल की हो गई और मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं जिहादी हूँ। हैरत में पड़ गया, बहुत परेशान रहा, तड़प करवटे लेता रहा, सारी शब्द गुजार दी सोचते सोचते कि हूँ कि नहीं। और साहब सुबह फजर की अजान हो गई, फजर की अजान हुई तो मैंने अल्लाह से लो लगाई कि अल्लाह तो ही मुझे कुछ इशारा फरमा कि मैं हाँ भी मैं जोर से बोलूँगा जब तो आवाज़ आएगी, अभी कहाँ धीरे बोल रहा हूँ मैं ना, तो अगर सर सुन लें आप, मैं आपके काम की बात ज़ाया नहीं होने दूंगा, आप उनके बिना बैठे। मैंने कहा अल्लाह तू ही कोई रोशनी दे मुझे, कोई इशारा कर कि मैं जिहादी हूँ कि नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कोई रोशनी मुझे बता रही है कि नहीं तुम जिहादी तो नहीं हो, लेकिन यार कुछ तुम हो अलग। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि अगर अलग हूँ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने साहब दो लाइनें लिखी, 3 लाख लोगों की तरफ से पढ़ रहा हूँ ये शेर, संपत भाई की मौजूदगी में अगर यहाँ ये मंजर ने कहा है कि मेरे सामने लाखों लोग हैं, तो इन लाखों लोगों की तरफ से राहत इंदौरी में शरीक होकर आप सबके लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। हर शख्स के दिल में यही है जो मैं कह रहा हूँ, कहता हूँ कि मैं जब जाऊँ तो वहीं आ जाऊँगा, हथेली में जान थोड़ी है, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। संपत भाई शेर सुनिएगा, कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं, आवाज आ रही है ना, हाँ तो मैंने बोला था कि जब मैंने बोला था जब आपके काम की बात शुरू होगी तो बोल दो, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी इसमें कौन सी बात कहती है, बेचारा कह रहा था कि वो ऐसा कहता है यादी हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। दो शेरों पढ़ना है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, यहां कहा जाता है इंशाल्लाह, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है। ये असलम भाई की तरह एक जलसा हो रहा था, असलम भाई की तरह हिंदी के एक बड़े राइटर अशोक चक्रधर वो निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे जिस तरीके से आज असलम भाई कर रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि जो आज साहिब मसनद है, तो मैंने कहा यार ये साहिब मसनद हिंदी वाले शायद ना समझ पाए, तो मैंने कहा कि अशोक भाई ज़रा ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहेंगे ज़रा ये बता दीजिए। तो उन्होंने एक परेशानी पर एक उंगली फेरी और कहा कि इसे कहेंगे सत्ताधीश। तो मैंने कहा रहने दीजिए फिर साहिब मसनद ही ठीक है। तो कहता हूँ कि हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है
आखिरी शेर पढ़ता हूँ। अफसोस कि मीडिया ने, अखबारात ने, जो भी जरिया इन्हें मिला, इस शेर को बना दिया कि ये बता दिया कि ये किसी मुसलमान का शेर है, या किसी ने लिख दिया कि किसी हिंदू का शेर है। ये मुझे इसका दुख है, इसका अफसोस है। ना तो ये हिंदू का शेर है, ना ये मुसलमान का शेर है। ये हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, अगर वह हिंदुस्तानी है तो मेरा ये शेर उसका, उसकी आवाज़ है, उसका शेर है। किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी, किराएदार हैं जाति। ये देखो, ये वाली आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, इसलिए कि मैं धीरे बोल रहा हूँ। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप